हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरएवर प्लांट्स केयर पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना अपने परिवार का और अपने पौधों का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे होंगे। दोस्तों आज जो पौधा मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है एक डेकोरेटिव प्लांट। जी हाँ दोस्तों, ये डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है और इस पौधे का नाम है लैला मजनू। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, जिस पौधे का नाम मैं बता रहा हूँ उसका नाम लैला मजनू ही है। अगर आप इसे नर्सरी में ख़रीदेंगे जाके तो नर्सरी वाले इसको लैला मजनू के ही नाम से बेचते हैं, पर असल में इसका जो नाम है वो है एक्सकोकेरिया। जी हाँ दोस्तों, एक्सकोकेरिया का पौधा जो है बहुत ही आकर्षक पौधा होता है। इसका पत्ता नीचे से लाल होता है, ऊपर से हरा होता है और परमानेंट सदाबहार चलने वाला पौधा होता है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इस पौधे के बारे में टोटल ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसका एक फ़ायदा भी है घर में लगाने का, तो वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो ये पौधा है। देखिए, इसको लैला मजनू का पौधा बोला जाता है और इसका जो असल नाम है वो एक्सकोकेरिया है। दोस्तों लैला मजनू का नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका पत्ता देखिए ये नीचे से लाल है, पूरा लाल, कहीं से भी ग्रीन नहीं है, और ऊपर से पूरा हरा है, कहीं से लाल नहीं है, देखिए ना। इसलिए इसको लैला मजनू कहा जाता है और बहुत ही आकर्षक पौधा है। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये बरांडे में यानी कि छेड के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं और इसको जो है आउटडोर रखा जाता है, इंडोर नहीं चलेगा पौधा। इंडोर ये सर्वाइव नहीं करेगा और धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी इस पौधे को लाएं डेकोरेटिव प्लांट को, तो आप आउटडोर ही इसको रखें या शेड के नीचे रखें। दोस्तों अगर इस पौधे को आप गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 12 इंच का पॉट चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा गमला लगाना चाहते हैं तब भी लगेगा, पर कम से कम 12 इंच का पॉट चाहिए। इससे छोटा गमला ना लगाएं फिर, क्योंकि इसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। 12 इंच के पॉट में बहुत ही अच्छी शेप का ये पौधा बन जाता है। दोस्तों इसको कटिंग से भी तैयार किया जाता है, आगे प्लांट बनाए जाते हैं। कटिंग से पौधा किस तरह तैयार किया जाता है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा आगे। तो आज इस पौधे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसे आप गमले में लगा के आउटडोर रखना है या छत के नीचे रखना है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा भी है कि जिस जगह पे ये पौधा लगा हुआ होता है वहाँ मच्छर मक्खी जो है जल्दी से ऐसे कीट नहीं जाते, जिससे हमको खतरा मतलब गंदगी फैलती है, ऐसी चीज़ों से ये बचाव रखता है। मतलब मच्छर और मक्खी जैसे जीव इस पौधे से दूर रहते हैं, इसलिए भी इस पौधे को अपने घर में लगाया जाता है। दूसरा, ये डेकोरेटिव प्लांट इतना अच्छा है, अगर इसको आप दूर से देखेंगे, अगर आप इसे ज़मीन में लगा देंगे और इसकी हाइट 5-6 फुट जब हो जाएगी तो इसे आप अगर दूर से देखेंगे तो ये पौधा हरा दिखाई पड़ेगा, मगर अगर आप इसके नज़दीक जाके देखेंगे तो ये पौधा जो है लाल दिखाई पड़ता है नीचे से, जो है ना, जब नीचे आप देखेंगे इसके तो पत्ते लाल दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब इसके पत्ते हवा में हिलते हैं ना, जब हवा में पत्ते हिलते हैं इस तरह से, तब बहुत अच्छी शाइनिंग इसकी लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक ही पौधे पर दो तरह के पत्ते लगे हुए हों, एक पत्ता लाल हो एक पत्ता हरा हो। इस तरीके के पत्ते इसके दूर से दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही आकर्षक पौधा है ये। दोस्तों परमानेंट चलने वाला पौधा है, कभी भी किसी भी मौसम में ख़राब होने वाला नहीं है। अगर ख़राब होता है तो या तो पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से ख़राब होता है या पानी ना देने की वजह से ख़राब होता है। इस पौधे को ख़राब होने के दो ही कारण हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्दी का मौसम, जब कोहरे का सीज़न आता है तब इसकी ग्रोथ रुक जाती है, तब ये पौधा ठीक ढंग से नहीं चलता। वही बसंत ऋतु के बाद में, जब बसंत की ऋतु निकल जाती है उसके बाद में इसके पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। दोस्तों इस पौधे को जब भी आप गमले में लगाएं, मिट्टी और गोबर की गली हुई खाद के मिक्सचर में इसे लगाएं, और अगर आपकी मिट्टी चीकनी है तो उसमें थोड़ी सी रेत मिक्स करें ताकि मिट्टी रेतली हो और पौधा आसानी से ग्रो कर सके, क्योंकि जड़ों का विकास रेता डालने से ही होता है। जब चिकनी मिट्टी आप डालेंगे तो वो सूखने के बाद बहुत ही ठोस हो जाती है, तो जड़ें ग्रोथ नहीं करती। तो आपको रेता ज़रूर मिक्स करनी है मिट्टी में, फिर आपने इस पौधे को लगाना है। और कीटनाशक के तौर पे आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं,
या हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको नहीं समझ आता कि पौधे को किस तरह से गमले में लगाया जाए, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे कि पौधे को गमले में किस तरह से लगाया जाए, फॉरएवर प्लांट्स केयर पे ये मेरा चैनल है। आप इस पर जाइए, इस वो वीडियो को देखिए, समझिए, उसी तरीके से पौधे को गमले में लगाइए। आप इसे एक बार अगर घर में लगाएंगे तो बार बार यही पौधा लगाएंगे, क्योंकि ये जो है कभी ख़राब होने वाला पौधा नहीं है, परमानेंट एवरग्रीन चलने वाला पौधा है। लैला मजनू बाई कलर या एक्सको केरिया के नाम से ये जाना जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो पौधे लगाना पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई नई जानकारी पौधों के बारे में जो होती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।